न्यूज 14 सच के साथ। आज की भिवंडी शहर के बाहर जाते 50-50 किलोमीटर, सुबह 6 बजे निकलते, रात को 8 बजे आते, तो ये सुविधा नहीं हुई, असुविधा हुई। तो ये सुविधा निर्माण करने के लिए ये इसके अंदर एक बड़ा प्रोविजन हम लोग करने जा रहे हैं। मतलब भिवंडी शहर, निजामपुर शहर महानगर पालिका में आप कई सालों से, कई साल उस पर महापौर के पद पर भी थे, लेकिन फिर भी भिवंडी शहर में विकास अभी भी रुका हुआ है, उस पर क्या कहना चाहिए? ये आप देख रहे हैं ना, जिसमें आज खड़े हैं हम लोग, ये सांस्कृतिक भवन है, मंगल कार्यालय है, कम्युनिटी सेंटर है। ये भिवंडी के अंदर 12 सेंटर बने हैं। किसके बने हैं? भिवंडी महानगर पालिका के टैक्स पे बने हैं। बम्बई में जाओ आज के तारीख में, है ऐसे महानगर पालिका का? नहीं है। अगर होगा तो उसका 3 लाख भाड़ा है। ये 15,000 भाड़ा में हम लोगों को सुविधा करके दी है। माननीय विलासराव देशमुख साहब आए थे और ऐसे 12 सेंटर हमने शहर के हर कोने में बनाए हैं। तो ये काय के लिए? आवाम के लिए। तो ये क्यों? आवाम जब रास्ते पे शादी ब्याह और अपना प्रोग्राम रास्ते पे मंडप लगा के करती थी, तो वो गंदगी निर्माण करती थी, धूप निर्माण होता था, वो सागे जो कुछ प्रोग्राम उनको एग्जीक्यूट करना था वो कर नहीं पाते थे। ये क्या है? स्कूल सारे बने हैं, 72 स्कूल ऐसे ही खड़े हुए हैं। 72 स्कूल बनने के लिए 20 साल गए ना, बाद में कम्युनिटी सेंटर बने हैं, वो बने हैं, ये फ्लाईओवर बने हैं। ये 1996 का पहला फ्लाईओवर भिवंडी महानगर नगर पालिका ने बनाया। ये क्यों बनाया है? किसने बनाया है? ऐसे हवा में बने हैं, ये विकास है। उसके बाद जो फ्लाईओवर बना राजीव गांधी उड़ान पुल, अभी भी देखो विलास पाटिल उधर नाम लिखा है, क्या ऐसे हवा में बनाया वो? तो ये विलास पाटिल ने किया है। ये सीसी कॉन्क्रीट जो रास्ते लाए हैं 2007 से जो बने हैं, खाड़ीपार से लेके चाविंद्रा तक, चाविंद्रा से लेके पूरा वंजारपाटी तक, ये कौन बने हैं? ऐसे ही बने। लेकिन हम शो शाइनिंग करने वाले लोग नहीं हैं। हम किसी, अगर हमको नगर सेवक बन के अगर किसी ने चुन के दिया है तो हमारा वो कर्तव्य है। हम कोई उपकार नहीं करते कि रोज़ जाके नारियल फोड़ू, मैंने ये किया। अरे नहीं, तू मोहताज है पब्लिक का। पब्लिक ने तुझे चुन के दिया है, तेरा काम है, तेरा फ़र्ज़ है कि दिन रात उनकी सेवा कर और ये काम करके दे। उसमें बड़प्पन दिखाने की ज़रूरत नहीं है।